गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉन रामपी। तो आज है चॉकलेट डे, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी चॉकलेट डे। मतलब ये वैलेंटाइन वीक जो है ना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सही में। मतलब बाबू को गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है उनका, खुशी में उनको सही में बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा है। और अभी अगर आप लोग को चॉकलेट डे वाला वीडियो देखना है तो मामी डॉट राहुल में चल जाओ, है ना। उसमें बहुत अच्छा क्या हुआ, मायरा शेखर चाचू को फोन किया देखो और बात कर रही है। अब किसी को फोन नहीं देगा अगर मायरा का, ए देखो देख रही है, किस दे रही है, किस दे रही है, देख रही हो शेखर, ये ब्लॉग देखना। मतलब मायरा जब ऐसे फोन पकड़ती है ना, मतलब वीडियो कॉल में बात करती है, तो किसी मतलब जो अदर मतलब वीडियो कॉल में उस पार है उनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मायरा फोन लेके पूरा एकदम प्यार करती है। मतलब वो फील करती है पूरा कि मेरे पास अभी नहीं है, उनको प्यार करती है, तो वो देख नहीं पाता है कि क्या कर रहा है। तो उसके हम उसको बोले तो वीडियो देखने में उनको पता चलेगा, एकदम हक करती है, किसी करती है, क्या करती है, बहुत प्यार करती है उसको, फोन पर प्यार आता है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम बना रहे हैं खाना जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। खाने में क्या बना रहे हैं? खाने में आज बन रहा है ये बन रहा है मम्मी के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम डेली मछली ला रहे हैं मायरा के लिए। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ बिहार में एक पीस दो पीस देता नहीं है, जो कोलकाता में दे देता है। तो यहाँ पे हमको पूरा लेना पड़ता है, मतलब पूरा 500-400 मतलब ऐसे पूरा लेना पड़ता है। तो हम पूरा ले लेते हैं, क्या कहते हैं ना, सबके लिए। तो हेल्दी खाना है ना, मतलब ज्यादा तेल नहीं, एकदम हल्का तेल में, ज्यादा ग्रेवी नहीं, पतला वाला ग्रेवी करके बना देते हैं डेली। तो इसलिए डेली अभी बन रहा है, क्योंकि मायरा बड़ी हो रहा है, उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, तो हम उसको हर चीज देना चाहते हैं हमेशा। तो इसलिए उसके प्रोटीन के लिए उसे मछली वगैरह दे रहे हैं, बीच में जो दाल चावल भी देते हैं उसको, उसका एक रूटीन हम सेट किए वैसे चलते हैं। जैसे कि दो दिन फिश खाई, आज क्या मुर्गा लाया है, कल फिर पतला दाल कर देंगे, तब सब दाल भात खाएंगे कल। तो ये रूटीन उसका सेट कर देते हैं। क्या होता है ना, यहाँ पे बनाते हैं तो सुबह वाला जो नाश्ता रहता है ना, वो रहता है सुबह वाला नाश्ता, तो हम मम्मी के लिए, क्योंकि सब खाता है मम्मी को छोड़ के, तो मम्मी मेरा नाश्ता निकाल दीजिए, हाँ निकालते हैं मम्मी के लिए सुबह वाला सब्जी रख के चावल दे देते हैं मम्मी, वो खाती है, और हम लोग का वो ही बनता है, मतलब मछली मुर्गा जो भी आता है वो बन जाता है। तो आज सुबह नाश्ते में बैगन का सब्जी बना था, मम्मी ने बैगन नहीं खाती, मतलब खाती है वो तो खाती है, लेकिन थायराइड है तो बैगन डॉक्टर मना किए है। फिर भी हम जब भी बनाते थोड़ा थोड़ा, मतलब टेस्ट के लिए एकदम थोड़ा सा देते हैं, लेकिन बैगन का सब्जी से पूरा चावल तो मम्मी खा नहीं पाएगी, खा लेती है मम्मी, मम्मी को कुछ मतलब ये नहीं है, लेकिन थायराइड उनका बढ़ जाएगा। तो हम उसलिए ना मम्मी के लिए, मम्मी आलू भी नहीं खाना चाहते, लेकिन अभी सब्जी नहीं है, मतलब है वो पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी हमसे एकदम नहीं बनता है, पता नहीं क्यों हमसे बन ही नहीं पाता पत्ता गोभी। तो हम सोचे कि आलू दम बना देते हैं, अच्छे से काजू बादाम वगैरह दिए, सरसों काजू बादाम देखो। तो ये बस मम्मी का ही है, और उसके बाद हम बनाएंगे मुर्गा, मायरा का और हम लोग का सबका। और हम लोग का जो बनाएंगे ना वो बहुत लाइट रहेगा, बहुत लाइट, मतलब हमें देखो हमेशा जैसे कि खाते हैं उधर बेंगो, मतलब सब बोलते हैं कि मुर्गा मछली तो बहुत मतलब तेल से बनता है, तो डेली कैसे बंगाली लोग आता है, नहीं वहाँ पे ना डेली जो बनता है एकदम लाइट बनता है, ज़्यादा तेल से नहीं। बहुत लोग घर में बहुत तेल तेल खाते हैं, और जिन लोगों आदत है, और ऐसे जो रेगुलर सब बनाते हैं ना वो एकदम लाइट, एकदम मतलब तेल नाम मात्र देता है, उसके बाद बस आप लोगों को पानी ही दिखेगा, और मतलब ऐसे ही, क्योंकि डेली उतना तेल खाने से सबको तबीयत खराब हो जाएगा, जानना बात है। तो वो लोग भी उतना तेल तेल से डेली बना के नहीं खाते है ना। तो चलो ज़्यादा बके नहीं, मम्मी का खाना बना के अभी मायरा और हम लोग का ही बनाना पड़ेगा। फूला ले लिया बाबू, तो तुम तो ले लिया फूल, मेरा देवर जी हमको रोज दे रहा है, रोज दे चल के तो रोज। कैसे है मेरे पापा? और
अभी ऊपर है, ऊपर था, ऊपर ऊपर सब ऊपर। क्या नैना? नैना नैना बहुत स्टार है। क्या नैना? नैना के बारे में जानते हैं, नैना का बहुत बड़ा फैन है सब। ऊपर सब आराम करो ग्रुप से। दादी का इतना उम्र हो गया फिर भी दादी ऊपर चल के आ जाते हैं। दादी दादी को लगा कि हम लोग शिफ्ट हो गए ना कोलकाता में। आजा तो अरे हमको मम्मी फोन करके बोली थी, मेरे पास तो फोन नहीं था, चोरी हो गया था मेरा फोन। सच्ची? तो मम्मी फोन करके बोली थी, जुली थी फोन की एक आ जाएंगे घर देखने। घर यहाँ पे तो थे उस दिन, मिल के गए थे। दादी मतलब पापा ना दिल्ली यहाँ पे आते हैं दादी को देखने, मतलब सामने हम तो बाइक करके आते हैं इधर सामने, मतलब 5 मिनट पैदल ना, 5 मिनट लगेगा ना घर से। तो पापा दिल्ली आते हैं दादी दादी से मिलने। तो दादी बोल रहे पापा को पारो बोलते हैं प्यार से। मम्मी मम्मी से मिल के आते हैं। क्या हो रहा है? आज भाभी धान उसर रही है उधर से, चुलबाग पर जाइए ना। ऐसे की वहाँ पे देता है जारन देता है। उधर हम जब आ रहे थे ना उधर इतना बड़ा चूल्हा था, कितना बड़ा बांस था उसमें घुसा के, और कुंजी तो बना रहा था गाय का खाना लग रहा। अभी हमको बोला कि आओ वीडियो बनाओ, ऐसा करके बुला रहे हैं बाहर आए उधर से। और ये वाला जो चावल है ये यहाँ पूरा चावल नहीं, अभी धान है उसका। तो ये धान है फिर चावल बनेगा है ना? तो अभी नहीं बनेगा ये, पहले सूखेगा 2 से 2.5 दिन। पॉपकॉर्न बनता जैसे आवाज नहीं होता वैसे, पॉपकॉर्न जैसे आवाज, मकैया फूटता जैसे। गोटा हम लोग छत्ते पे ऐसे उलन है ना, और वहाँ पे जो मेरा गाँव था। अरे सो गई है वो, खाना उना खिला के उसका रूटीन शिफ्ट कर दिया कि वो इस टाइम में सोएगी, ऐसे उठेगी, ऐसे खाएगी, उसमें ना उतना फुर्तीला रहता है। और जिस दिन इस टाइम में नहीं सोती उस दिन उसका तबीयत शाम में थोड़ा मुरझाया, सो जाती है जल्दी रात में, ऐसे होता है। चलो मिर्जा पापा कहाँ है? बोला कि वो मायरा के पापा बोल रहे कि हम ज्यादा गए गैया से मिलने, हमने गैया जब इधर था तब देखते नहीं थे, अभी गैया से मिलने आ रहे। गैया यही रहता ना अब? हाँ नीचे नहीं देखा? नीचे था, नहीं देखे हम, देखे हम ना। अभी बोले कि दादी लोगों को बिस्किट खाने दे रहे थे, तो एक गुड्डे बिस्किट दिया आर्यन को, तो हम बोले कि ना वो खा रहा है उसको और मत दीजिए। ना ना मैंने नहीं, दादी ले आएंगे शाम में आपके लिए। दादी समोसा खाए ना कहीं घड़ी में तो रहे हैं। तो हम बोले कि एक रील था कि आज सुबह सुबह गुड्डे खाए थे लेकिन फिर भी दिन अच्छा नहीं गया। तो दादी बोले कौन बोला ऐसे, मारबो ओकरा, ओकरा मारबो। कितना बोली है दादी। और अभी तबीयत ठीक है दादी? हम कौन है? हम कौन है बोले नहीं चिन पाए, अभी हमसे बात की इतना बोला अभी नहीं चिन पा रहे। क्यों कहीं आ गए? अब बुआ को पूछे हम सब देखे। हाँ बुला, अरे बिचना गरम हो गया।
हमको नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं दादी का बात, लेकिन हमको अभी समझ पहले नहीं आता था, अभी समझ में आता है दादी का बात हमको। बोलती है बासी थूक लगा लो दाग मिट जाएगा, पिंपल नहीं होगा। नहीं छोटे ज्यादा हो, हाँ छोटे बच्चे थूक लगाते हैं कल से बासी थूक लगाइएगा, ठीक है कल लगाएंगे। कैसे लगा दूंगा कितना रकम कम दाग दिल को छोटू, अब बोतल दो तो तेल का। तो भाभी यहाँ पे जोरों शोर से मालिश हो रहा है, क्योंकि ना ये जो एज है ना, ये एज में सही में जरूरत है थोड़ा सा सेवा का। हम इतना उम्र में आ जाएंगे ना, हम कोई टेंशन नहीं, टीवी देखेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, सोएंगे। दादी बोले आज मत जाओ, इधर रह जाओ, ना जाओ, ये घर है नहीं, हाँ ये भी तो घर है, तू घर ना जा, ठीक है नहीं जाएगा आज, हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है तू घर ना जा। और हम कहाँ सोएंगे तब यहाँ पे, दादी बोले बिट्टू के पास, बिट्टू के घर नहीं जाओ, इधर ही रह जाओ, पलंग है मत दूँ, पलंग दूँ, दो को पलंग है, हमरा है क्या मिलते हैं तो खाती है तो यहाँ पे रह जाए आज, तो हम आपके खटिया में जाके सोएंगे। हाँ तो ठीक है, और आप कहाँ सोइएगा तब? मैं बरखा खाती हूँ। बड़की मम्मी आए ना खुशी, बड़की मम्मी का भी इतना उम्र हो गया अभी, मतलब सीढ़ी पकड़ पकड़ के एकदम उतर रहे हैं, मतलब सोच सकते दादी का उम्र कितना होगा अभी। हाँ ओ मतलब यहाँ का ना, मतलब सबको ताकत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का लोग मतलब छातू खेत खदार का सामान खाते हैं, मतलब खेत का ओरिजिनल चीज। आप क्या खाते हैं? हम लोग थोड़ी उतना दिन जी पाएंगे, हम लोग तो मछली मुर्गा कोलकाता वाले खा के दादी स्माइल कर, नहीं सच बात है यहाँ का लोग बहुत ओरिजिनल चीज खाते हैं। और हम कितना, हम 6 साल से यहाँ पे, 6 साल से थोड़ी, ये लोग शुरू बचपन से खा के आए, हम जो भी खा रहे 6 साल से ना यहाँ पे, फिर हम लोग मछली, हाँ घट्टा खाते थे आप, बोले आप लोग घट्टा खाते, बच्चा घट्टा नहीं खा ला, अरे हम जो लोग चलन खा ले, हां कजिए भी हम पर जिन सोच के जी खा जी, अच्छा चल जा हो गई गोन वा हो गई, मैं ये पर चीज ना रवा हूं, तो घट्टा नहीं चुकी नीचे से बंद है, तो अभी आओ पुराना घर से आ गए हैं, हमारे भाई बोल रहा था अभी पुराना घर आ गए, हम आ गए हैं वहाँ से, और अभी मायरा का टिफिन बना रहे हैं, और आज का टिफिन थोड़ा सा यूनिक है, मतलब इसको ना बटर से सेकेंगे, बटर नहीं सॉरी घी से सेकेंगे, घी से सेके थोड़ा दूध देके चीनी देके उसको खौलाएंगे, बस थोड़ा मीठा मीठा हो जाएगा शायद, उसको अच्छा लगे खाने में, उसको तो अलग अलग चीज़ दे रहे हैं, देख रहे उसको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, सब तो पूरा उसका टिफिन का एक लिस्ट होगा, और जो जो सक्सेस होगा ना, मायरा जो जो खाना पसंद करेगी, हम उसके लिए अलग सा वीडियो लाएंगे, मतलब स्पेशली आप लोगों ने एक बेबी फूड ऐसे थंबनेल रहेगा उसका, ठीक है ना। तो चलो कल हम एक्सपेरिमेंट करने दो मेरा मास्टर माइंड से, तो आज का वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ, बाय।